कर दोस्तों मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड में, जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा जो कि डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर देती है, क्योंकि मीत हुड्डा डिवोर्स पेपर पर इसलिए सिग्नेचर कर रही है क्योंकि नीलम की कोई गलती नहीं है। नीलम को तो दिहम उसकी शादी के लिए जो कि बर्फी देवी ने किया था, बर्फी देवी ने नीलम की शादी दिहम उसकी कराई थी मीत अलावत के साथ में। लेकिन दोस्तों जहाँ सिग्नेचर होने के बाद में बर्फी देवी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है कि चलो फाइनली अब इस घर से मीत हुड्डा हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। हालांकि कोई भी घरवाला खुश नहीं है और ना ही मीत हुड्डा इस घर से जा पाएगी, क्योंकि दोस्तों पिताजी जैसे ही हॉस्पिटल से आते हैं और उनको ये बात पूर्ण रूप से पता लग जाती है, और पिताजी को पता लगने के बाद में इस समय पापा जी बहुत ज़्यादा भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि मीत अलावतकर एक ज़ोरदार चांटा मारते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार मीत अलावत जो हरकत कर रहा है वो अलग तरीका से कर रहा है। लेकिन जब डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर किए थे, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उस समय मीत अलावत भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि मीत अलावत कहीं ना कहीं आज भी मीत हुड्डा से प्यार करता है, क्योंकि बर्फी देवी की बेटी नीलम से शादी करना तो एक मजबूरी है। लेकिन दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं मीत अलावत का दिल मीत हुड्डा के लिए ही धड़कता है। वहीं पर ही दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि जैसे ही सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होने के बाद में आप लोग देख पाएंगे कि बर्फी देवी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, और बर्फी देवी इसलिए खुश नज़र आ रही है कि चलो अब फाइनली परिवार वाले मेरी बेटी को वही इज्जत वही रेस्पेक्ट देंगे जो एक घर की बहू को देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों परिवार वाले ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि दोस्तों इधर एक बेटे का दर्जा देंगे अब अपनी बहू को मीत अलावत के फादर बोलते हुए नज़र आने वाले हैं कि तुम मेरे लिए मेरी बहू नहीं, आज के बाद में मेरे बेटे जैसी हो। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।